सिविल सर्विसेज परीक्षा पास कर आईपीएस बने सुरेंद्र कुमार दास की आत्महत्या से पूरा उत्तर प्रदेश स्तब्ध रह गया है। इतना बड़ा अफसर आखिर कैसे हार मान सकता है, सबके मन में यही सवाल है। खबरें हैं कि उन्होंने अपनी डॉक्टर पत्नी रवीना सिंह की वजह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वैसे आज हम आपको रवीना सिंह के बारे में वो तीन बड़े सच बताएंगे जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जानिए वो तीन बड़े सच क्या हैं। साल 2017 में हुई थी दोनों की शादी। दोनों की शादी साल 2017 में लखनऊ में हुई थी। रवीना और सुरेंद्र की पहले से जान पहचान नहीं थी, बल्कि दोनों मेट्रोमेनियल साइट के जरिए मिले थे। सुरेंद्र मिडिल क्लास के थे, जबकि रवीना हाई सोसाइटी की थी। सिर्फ आईपीएस होने की वजह से रवीना उनसे शादी के लिए तैयार हो गई थी। ये है डॉक्टर रवीना का पहला सच। डॉक्टर रवीना और आईपीएस सुरेंद्र की 2017 में जब शादी हुई तो अगले दिन विदाई के बाद वो बस एक घंटे ही ससुराल में रुकी थी। जी हाँ, इसके बाद उसने कार मंगवाई और सीधा अपने पिता के गोमती नगर वाले घर चली गई। ससुराल वालों से लेकर सुरेंद्र तक ने उसको रोका, लेकिन वो रुकी नहीं। इतना ही नहीं, वो सुरेंद्र को भी अपने घर नहीं जाने देती थी। ये रहा रवीना सिंह का दूसरा सच। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों की शादी के 1.5 साल हो गए थे, लेकिन रवीना ने 1.5 साल में अपने ससुराल में किसी से एक बार भी बात नहीं की थी। इतना ही नहीं, जब सुरेंद्र अपनी माँ या बहन से फोन पर बात करते तो वो उनसे भी झगड़ा करती थी। इसी वजह से सुरेंद्र की भी अपने घर वालों से बात कम हो गई थी। इस वजह से परेशान रहते थे। ये है रवीना सिंह का तीसरा सच। डॉक्टर रवीना सिंह का तीसरा सच है उसका मांसाहारी होना। जी हाँ, सुरेंद्र शाकाहारी थे और कृष्ण भक्त थे, जबकि रवीना सिंह मांसाहारी थी और अक्सर नॉनवेज खाती थी। जन्माष्टमी के दिन भी सुरेंद्र के लाख मना करने पर रवीना ने नॉनवेज मंगवा कर खाया था, जिसके बाद से सुरेंद्र ने आत्महत्या कर अपना जीवन समाप्त करने की ठान ली थी।